अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरत से होंगे। आज एक बार फिर मैं हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। फाइनली प्लास्टिक हटाना शुरू हो चुका है, क्लाइंट शीट से आप लोगों के सामने है। काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइन, पवीलियन प्लस मीडिया बॉक्स बैक साइड, और यहाँ क्लाइंट शीट का जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अब माशाल्लाह प्लास्टिक हटाना शुरू हो चुका है। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा, प्लास्टिक हटाना शुरू हो चुका है। काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइन, हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम पेशावर। इस साइड पर आप लोगों को क्लाइंट शीट नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी माशाल्लाह क्लाइंट शीट का काम मुकम्मल हो चुका है। सामने आप लोगों को लेबर्स नज़र आ रहा होगा, ग्लासेस के ऊपर भी काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। इस साइड से भी आप लोगों को लेबर्स नज़र आ रहा होगा, प्लास्टिक हटाना शुरू हो चुका है। क्लाइंट शीट से आप देख सकते हो काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखाऊंगा। जब यहाँ से प्लास्टिक मुकम्मल हटाएगा तो फिर इंशाल्लाह काफ़ी ख़ूबसूरत डिज़ाइन आप लोगों को नज़र आ जाएगा। हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में काम बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। इनसाइड भी काम काफ़ी तेज़ी से जारी है, और यहाँ मैं आप लोगों को ग्लासेस भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हो ये है फर्स्ट फ्लोर, यह भी माशाल्लाह फ्रेम के ऊपर काम जारी है। लेबर्स भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ग्लासेस फ्रेम के ऊपर काम जारी है। और इसके साथ साथ मजीद सामान आया है हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में। इस साइड पर आप लोगों को पाइप्स नज़र आ रहा होगा। हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में चेयर्स का काम भी मुकम्मल होने वाला है। आप देख सकते हो इस स्टैंड में भी चेयर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, और यहाँ क्लाइंट शीट के ऊपर काम जारी है काफ़ी तेज़ी से, और काफ़ी सामान यहाँ भी आया है। और ये है पवीलियन प्लस मीडिया बॉक्स, माशाल्लाह काफ़ी ख़ूबसूरत। यहाँ ग्लासेस का काम जितना भी हुआ है वो आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह यहाँ एक और स्टैंड है, वो भी तैयार हो चुका है। चेयर्स का जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। इंशाल्लाह ग्रास के ऊपर भी काम जल्द स्टार्ट करेगा, इस ग्रास को मज़ीद बेहतर करेगा। साइड में जो खाली जगह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी बहुत जल्द ग्रास इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। ये खाली जगह आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ बहुत जल्द ग्रास इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। काम बिल्कुल आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। अगर यहाँ से मैं आप लोगों को पिचेस दिखाऊं तो ये है पिचेस एरिया, यहाँ 7 से 8 पिचेस होगी। बहुत जल्द पिचेस के ऊपर भी काम स्टार्ट करेगा। माशाल्लाह इस स्टैंड में भी चेयर्स का काम मुकम्मल हो चुका है, आप लोगों के सामने है। अब मैं थर्ड फ्लोर में मौजूद हूँ। इनसाइड भी काम काफ़ी तेज़ी से जारी है, ग्लासेस के ऊपर और साथ साथ सीलिंग का काम। तो सामने आप लोगों को फ्रेम नज़र आ रहा होगा, ये है ग्लासेस डोर। इनसाइड आप लोगों को वॉशरूम्स भी नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी टाइल्स का काम मुकम्मल हो चुका है। हयातबाद क्रिकेट स्टेडियम में काम बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, और यहाँ आप लोगों को ग्लासेस नज़र आ रहा होगा, जो फ्रंट ग्लासेस है उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। और ये है ग्लासेस डोर, यहाँ से आप लोगों को ग्राउंड भी नज़र आ रहा होगा। और ग्लासेस के अलावा सीलिंग का काम भी मुकम्मल होने वाला है। यहाँ मैं आप लोगों को सीलिंग दिखाऊं तो काफ़ी ख़ूबसूरत सीलिंग,
आप लोगों के सामने है। इसी तरह सेकंड फ्लोर में भी ग्लासेस का काम मुकम्मल होने वाला है। तो ये है सेकंड फ्लोर और यहाँ से ग्राउंड भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा काफ़ी सफाई के साथ। और इस वक्त मैं फर्स्ट फ्लोर में मौजूद हूँ, यहाँ भी मैं आप लोगों को काम दिखाऊंगा। यहाँ भी काफ़ी काम हुआ है, टाइल्स का काम भी यहाँ जारी है, ग्लासेस का काम जितना भी हुआ है वो भी आप लोगों के सामने है। और यहाँ मैं आप लोगों को कुछ वॉशरूम्स दिखाऊंगा। तो यहाँ टाइल्स का जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। पवेलियन इनसाइड इलेक्ट्रिसिटी का काम भी जारी है। तो यहाँ माशाल्लाह टाइल्स का जितना भी काम था वो मुकम्मल हो चुका है। तो ये है इनसाइड पवेलियन, माशाल्लाह काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। और यहाँ से एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा ग्लासेस का काम। तो माशाल्लाह ग्लासेस के ऊपर भी काम बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आप लोगों के सामने है। एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगा पवेलियन प्लस मीडिया बॉक्स बैक साइड। क्लाइन शीट से प्लास्टिक हटाना शुरू हो चुका है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और साथ बेल आइकन को भी दबाइए।